हेलो क्लास टेंथ, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व हम कर रहे होंगे। देखो यार, वीडियो पॉज करो और आप भी इन क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि 3 × 3x - 1 / 2x + 3 - 2 × 2x + 3 / 3x - 1 = 5, जहां पर x नॉट इक्वल टू 1/3 - 3/2। अब यहां पर देखो, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला, इन दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लो, लेट 3x - 1 / 2x + 3 को तुम क्या ले लो, y ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3y - 2/y हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला क्या, इसका रेसिप्रोकल है। इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ से y का मल्टीप्लाई होगा 3y में, तो 3y² - 2 नीचे तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम y, यहाँ पे है 5। इसको आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 3y² - 2 = 5y हो जाएगा। और फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो 3y² - 5y को इधर लाओ, -5y - 2 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए इसे 3 और 2 का गुणा कर लो। ठीक है, 3 और -2 कितना होगा, -6 हो रहा है। और हमको चाहिए क्या, -5 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3y² - 6y + y - 2 = 0। यहाँ से 3y कॉमन ले लो, मिलेगा y - 2। यहाँ से +1 कॉमन ले लो, मिलेगा y - 2 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y - 2 = 0। यानी एक y = 2 हो जाएगा यहाँ से, और इस वाले से y = क्या होगा, 3y + 1 = 0। तो यहाँ से मिलेगा y - 1/3। अब देखो भाई, हम लोगों ने क्या लेट किया था, 3x - 1 / 2x + 3 = y ना। तो y का वैल्यू कितना है, 2 आया, तो 2 रखो यहाँ पे पहले। तो देखो, 3x - 1, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 = 4x और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। 3x उधर जाएगा ना, इधर, तो 4x में से 3x घटेगा x, और 6 को उधर भेज दो तो कितना होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है भाई, आ रहा बात समझ में। तो एक x का वैल्यू तो -7 आ गया। सिमिलरली दूसरा जो x का वैल्यू है उसको पुट करो। एक और आया था हमारा 3x - 1 / 2x + 3 = देखो कितना है, -1/3 आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3 कितना होगा, 9x, माइनस का 3 होगा, इधर देखो माइनस का 2x और माइनस का इधर हो जाएगा 3। अब देखो, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 9 और 2 इधर आ जाएगा, कितना होगा, 11x, और 3 उधर भेज दो तो +3 और -3 कट के कितना होगा, 0। तो यहाँ से x बराबर आ रहा है आपका 0। यानी हमारे दो सोल्यूशन निकल के आए, x = -7 और x = 0। अब तुम्हारा ये सोल्यूशन सही है कि नहीं, इसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो, x = 0 रख दो, x = 0 रख दो तो कितना मिलेगा, -2 × 3 / कितना मिलेगा, -1। देखो -1 कट जाएगा, अद्वितीय कितना होगा, 6 बच रहा इधर, और यहाँ पे तुम 0 रख दो। ठीक है, ये भी 0 रख दो, तो यहाँ से देखो -1/3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 इधर 6 बचा था, कितना आ रहा, ओवरऑल 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ये वाला चीज और ये वाला क्वांटिटी देखो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, अगर एक को वाई लोगे दूसरा 1/y हो जाएगा। आया बस समझ में, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, लेट कर लो, 7x + 1 / 5x - 3 को क्या ले लो, वाई ले लो। तो यहाँ से तुमको देखो, ये वाला वैल्यू 5x - 3 / 7x + 1 कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा 3y - 4y = 11। तो यहाँ से मिलेगा 3y² - 4। देखो नीचे जो y बच रहा है ना, वो 11 में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम नीचे होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे y रहेगा तो फिर y का गुणा किस में कर देंगे, 11 में। अब यहाँ से हमको मिलेगा 3y² - 11y, इधर -4 = कितना होगा, 0।
अब हमको जो हमारा फैक्टर मिल रहा है कितना मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देख लो, इस 4 और 3 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या, माइनस 11 चाहिए, तो माइनस 12 और प्लस 1 अगर रखोगे तो माइनस में कितना आएगा, 11 आएगा। चलो तो यहाँ से लिख लो तुम, 3y² माइनस में 12y प्लस में कितना, y माइनस 4 = 0। यहाँ से तुम 3y कॉमन लोगे तो y माइनस 4 मिलेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो y माइनस 4 मिलेगा, इक्वल टू 0 कर लो। यहाँ से देखो 3y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, y माइनस 4 अगले ब्रैकेट में, इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से आपका जो y का वैल्यू मिलेगा माइनस में 1/3, और यहाँ से जो y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4। आया बात समझ में भाई। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो पहला जो था हमारा वो है 7x प्लस 1 अपान 5x माइनस 3। यहाँ पर देखो इक्वल टू, एक हमारा x का वैल्यू कितना आया, माइनस में 1/3 आया ना, तो माइनस में 1/3 रखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 7 21 प्लस में 3, इधर देखो माइनस में 5x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई प्लस वाला ये तो कट जाएगा, 21 5 इधर आएगा तो 26x = 0। तो यहाँ से भी x = 1 वैल्यू आपका क्या निकल रहा है, 0 निकल के आया। ठीक है, देखो ये वाला वैल्यू तुम्हारा कितना आया, x = 0। अब हमको यहाँ पर एक और वैल्यू हम लाए हैं यहाँ पर, तो उसको भी ले लो, 7x + 1 अपन 5x - 3 इक्वल टू, देखो एक आया आपका y = 4 आया ना, तो इसको 4 ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो होगा 7x + 1, 4 5 20x और 4 3 12। अब 20 में से 7 इधर घटाओगे तो 20 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 13x, और 12 उधर जाएगा तो बचेगा 13। 13 से 13 शहीद हुआ, x = कितना आया, 1 आया। ठीक है भाई, तो यानी हमारे यहाँ पर दो वैल्यू आ गए, x = 1 और x = 0। आप इनको इसमें रख कर वेरीफाई भी कर सकते हो, आपके आंसर 11 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 4x - 3 / 2x + 1, 2x + 1 / 4x - 3 = कितना दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि x का वैल्यू -1/2 / 3/4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे नीचे वाले, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो सेम काम यहाँ पर वीडियो तुम भी पॉज करो, इस वाले को y ले लो और इसको 1/y ले लो, सॉल्व कर डालो। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लो 4x - 3 / 2x + 1 को हमने कितना ले लिया, y ले लिया, तो है मिलेगा y माइनस में 10/y इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अब y का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा y² - 10, उधर हो जाएगा तुम्हारा 3y। ठीक है, अब ये y² - 3y और -10 = कितना है, 0। अब 10 का फैक्टर 2 और 5 होगा ना, तो y² यहाँ से -5y और प्लस में क्या होगा, 2y -10 = 0। चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, y कॉमन लिया तो मिलेगा y - 5, यहाँ से +2 कॉमन लिया मिलेगा y - 5 = 0। तो एक ब्रैकेट में y - 5 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में y + 2 हो जाएगा, इक्वल टू होगा 0। अब y - 5 = 0 पुट करोगे तो y = 5 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली y + 2 = 0 पुट करोगे तो y - 2 मिलेगा, -2। अब इन दो वैल्यू को तुमको याद रखना है, अभी हम इसमें पुट करने वाले हैं। और हमारा जो मास्टर इक्वेशन था, ठीक है ये वाला, इसको हमने अभी क्या किया है, लेट किया है, तो अब यहीं पर आ जाओ। अब हम इसको क्या करते हैं, 4x - 3 / 2x + 1 इक्वल टू वाई की जगह कितना पुट करो, 5। अब सॉल्व करो तो 4x - 3 हो जाएगा, 5 × 10x, और ये प्लस में कितना होगा, 5 होगा। अब देखो 10 में से 4 घटाओगे, ठीक है भाई, तो 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 6x,
और पाँच उधर जाएगा तो माइनस में कितना होगा, आठ हो जाएगा। तो x बराबर होगा माइनस आठ बटे छः, तो दो से काटो, दो चौक आठ, दो तिया छः, तो x बराबर मिल रहा है माइनस में चार बटे तीन मिल रहा है। तो देखो हमारा जो ये आंसर निकल के आ रहा है, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, माइनस में चार बटे तीन। चलो सिमिलरली हम इसको भी पुट कर लेते हैं। देखो अगला जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारा क्या था, 4x-3 अपान में 2x+1, और यहाँ पे जो y का वैल्यू निकल के आया है -2, पुट कर लो तो ये मिलेगा 4x-3, ये माइनस में 4x-2, 4x इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, 3 उधर प्लस में हो जाएगा -2, यानी x बराबर आएगा तुम्हारा 1/8 आएगा। समझ में आया भाई? तो हमारे x के दो वैल्यू निकल के आ गए, ये आपका हो गया x=1/8 और एक x=-4/3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि देखो x अपान x+1² -5 x/(x+1)+6=0, x≠-1। -1 रखोगे, -1+1 नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए वो कंडीशन लिखा जाता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी को y मान लो। ठीक है, तो देखो हो जाएगा y²-5y+6=0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y², 2 3 6, देखो 2 × 3 होगा तो 2y-3y+6=0। y कॉमन ले लो बचेगा y-2, -3 कॉमन ले लो बचेगा y-2=0। तो एक ब्रैकेट में y-2 और अगले ब्रैकेट में y-3=0 हो जाएगा 0। तो यहाँ से मिलेगा y=2 और एक मिलेगा y=3। अब हमें किसको लेट किए थे, देखो x/(x+1) को हमने क्या लेट किया था, y, तो इस y के जगह पे 2 रख दो, तो x 2 का गुणा होगा तो बोलो कितना होगा, 2x+1 होगा, तो 2x+1 नहीं, 2x+2 होगा। अब यहाँ से देखो 2x को इधर पे जो -x=2, तो x बराबर आ गया आपका माइनस में 2 आ गया। ठीक है भाई, x=2 कितना निकल के आया, -2। अगला यहीं पर हम कर लेते हैं, ये क्या बोला है कि x/(x+1)=y माने थे तो एक वैल्यू और आया 3, उसको सॉल्व करो, x 3x+3, तो इधर आएगा तुम्हारा होगा माइनस में 2x=3, तो x बराबर आएगा -3/2। तो ये दो वैल्यू आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। आया बात समझ में, क्या तुम्हारा आया था? अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो कि सर मेरा भी आया था। चलो तो आपके ये दो वैल्यू निकल के आ गए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मस्त तरीके से इसको बताते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं ना, एक को ऐसे लिख लो 1+1, है बात समझ में, 1+1 लिख लो। अब एक को इधर लेकर आओ, a/(x-b) -1 कर लो, b/(x-a) -1 कर लो, = क्या होगा, 0। अब a इसका गूढ़ा करो तो x-b, नीचे भी होगा x-b, यहाँ पे देखो b(x-a) LCM हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, गूढ़ा करोगे तो -x-a = 0। हम क्या कर रहे हैं, इस x-b का -1 में गूढ़ा, x-a का -1 में गूढ़ा, तो यहाँ पे -1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो देखो मिलेगा a-x+b मिलेगा, नीचे x-b, b-x+a मिलेगा, नीचे मिलेगा x-a = 0। अब ऊपर देखो ए वाला और ए वाला दोनों सेम है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी a-x+b अगर कॉमन लोगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा 1/(x-b), दूसरे भाग में बचेगा 1/(x-a) = 0। तो और इसको सॉल्व करो, a-x+b, तो ये तुम्हारा पहला फैक्टर हो गया, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x-a, x-b, नीचे हो जाएगा x-b ((x-a)) = 0। तो यहाँ से मिला a-x+b, यहाँ से देखो x(x)(2x-a) - b, और नीचे वाला जो था उसको उधर इसको 0 में गुणा करके 0 कर दो।
अब एक फैक्टर यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, ए माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक्स उधर जाएगा तो बचेगा एक्स बराबर ए प्लस बी, आया बात समझ में। और इसको जब इक्वल टू जीरो करोगे तो टू एक्स बराबर मिलेगा ए प्लस बी, तो एक्स बराबर मिलेगा ए प्लस बी बाई टू, आया बात समझ में। तो हमारे दो आंसर यहाँ से भी निकल के सामने आते हैं। अब देखो भाई, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।